साइंस स्टूडेंट्स हैं वो डायग्राम्स का मतलब इंपॉर्टेंट समझते हैं, कहते हैं अगर कुछ भी नहीं आता तो बेटा डायग्राम बना के आ जाना, कुछ नंबर मिल जाएंगे, मिल भी जाते हैं। डायग्राम्स का इतना इंपॉर्टेंस है। उस जमाने में भारत में जब लिपि नहीं थी तो चित्रों के माध्यम से पढ़ाई की जाती थी, चित्र बना दिए गए। अब वैल्यू एजुकेशन भी देनी था ताकि शिक्षा जीवन से रिलेट कर सके, हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन हो सके, अच्छे लोग बनाए जा सके ताकि अच्छे परिवार, अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छा राज्य बनाया जा सके, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत जोर था, शिक्षा उससे जुड़ी थी। तो सब चित्र बना दिए गए, कालांतर में वही मूर्तियां बन गई। ये जो मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं, चित्र दिखाई देते हैं, अब अगर साहब आपको कहा जाए अच्छाई का चित्र बनाइए या बुराई का चित्र बनाइए, अगर बुराई का चित्र बनाना है तो साहब वो कुछ डरावने चित्र बना दिए जाएंगे, सींग लगा दिए, राक्षसों के चित्र बन गए, ये बुराई के चित्र है। अच्छाई के चित्र बनाइए तो आपने बड़े खूबसूरत चित्र बना दिए, देवी देवताओं के चित्र बन गए, ये अच्छाई के चित्र। अब सब शिक्षक ये जितने भी चित्र बनाए गए ये वैल्यू एजुकेशन देने के लिए, लिपि थी नहीं, चित्रों के माध्यम से पढ़ाई की जाती थी, यानी उस जमाने में पूजा और शिक्षा एक ही चीज थी, पूजा और शिक्षा एक, उसका नाम दे दिया पूजा, है एक्चुअली एजुकेशन। और चित्रों के माध्यम से हम कहते थे जाओ दर्शन करके आओ, आज भी कहते हैं लेकिन असली मीनिंग भूल गए। तो दर्शन का मतलब होता था, दर्शन का मतलब है फिलॉसफी, तो दर्शन के पीछे का दर्शन शास्त्र समझाया जाता था प्रत्येक चित्र से, ये उस जमाने एजुकेशन ऐसी दी जाती। तो जितने चित्र बनाए गए दीज आर ऑल सिंबॉलिक, पढ़ाने के लिए और खास तौर पे वैल्यू एजुकेशन के लिए, ताकि अच्छे नागरिक बनाए जा सके, ताकि अच्छा देश बन सके, ये बाद में आकर गुड गवर्नेंस को डेवलप करेंगे। मैं संक्षेप में एक चित्र का आपके सामने वर्णन कर दूंगा ताकि आप उस प्रकार से सोचने लगे। उदाहरण के लिए एक चित्र लेते हैं, विष्णु जी का चित्र, हर चित्र के मीनिंग है। एक विष्णु जी का चित्र हम लेते हैं, यहां से डेवलप करके आगे चलते। अब साहब दर्शन करना है डेली, अर्थात रोजाना चैप्टर रिवाइज करना, फिर जब अगली क्लास में चले जाएंगे तो अगला चित्र ले लेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। ये सब स्टेजेस थी एजुकेशन की। अब विष्णु जी का चित्र का कहा कि डेली दर्शन करिए सुबह आए, दर्शन का मतलब दर्शन के पीछे का दर्शन शास्त्र समझना है और उसको जीवन में लाना है ताकि हमारा जीवन इंप्रूव हो सके। अल्टीमेट एम यह है पर्सनल इंप्रूवमेंट, क्योंकि हमको अल्टीमेटली अच्छा राष्ट्र बनाना। अब साहब विष्णु जी के चित्र का जब मैं दर्शन करने गया तो पहले तो दर्शन जो है आंख खोल के करना चाहिए, आंख बंद कर ली तो मैं मूर्ति का दर्शन कर रहा हूँ कि मूर्ति मेरा दर्शन कर रही है ये पता नहीं चलता। दर्शन का एक मतलब देखना भी, देखना और उसका दर्शन शास्त्र यानी उसकी फिलोसफी समझना, उस जमाने में गुरु लोग समझा देते थे। अब देखिए साहब विष्णु जी के चार हाथ हैं, चार हाथ वाला कोई आदमी देखा आपने, चार हाथ वाला आदमी होता है नहीं होता, इसका मतलब ये सिंबॉलिक है एक हमको लेसन देने के लिए। अब जो चारों हाथ हैं उन चारों हाथों में एक अलंकरण है, कोई ना कोई अलंकरण है। अब जरा एक एक जरा बताइए फिर हम उसको एक्सप्लेन करें। जो चार हाथ विष्णु जी के दिखाई देते हैं उन सब में एक अलंकरण, कुछ उन्होंने पकड़ रखा, ठीक है। अब जरा एक एक बोलेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उसको जरा लास्ट में करेंगे। और शंख, शंख पद्म, देखिए शंख का मतलब ये है जब आप दर्शन करने गए तो एक्चुअली ये तो एजुकेशन है, उस समय हमने सीख लिया शंख देख करके, ये आज का संकल्प, कल सुबह तो फिर दर्शन करने आऊंगा, अल्टीमेट एम इज टू इंप्रूव माई सेल्फ। शंख देख करके मैंने आज प्रण कर लिया कि आज दिन भर मैं प्योरिटी ऑफ वॉइस का ध्यान रखूंगा, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखूंगा, प्योरिटी ऑफ वॉइस का आज दिन भर, कल तो फिर रिवाइज करने आ जाऊंगा, चैप्टर तो रोज पढ़ना पड़ता, बहुत लंबा संकल्प ना लीजिए, केवल आज भर का, कि आज भर, आज दिन भर जो है मैं प्योरिटी ऑफ वॉइस का ध्यान रखूंगा, मैंने उसे ले लिया। दूसरे हाथ में क्या जी, गदा। देखिए गदा जो है ये हमारे कुछ बाबा लोग माया माया बोलते हैं ना, इसलिए माया कोई मैजिक नहीं था उस जमाने में, बिल्कुल साइंटिफिक पढ़ाई होती थी। माया का मतलब कुछ मंत्र या शायद निकल जाओ, भस्म निकल आओ, वो सब नहीं था, बिल्कुल साइंटिफिक। माया का मतलब जो शरीर के पांच विकार हैं उसको काम क्रोध लोभ मोह मद कहते हैं,
उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता रहूंगा, उससे मैंने लेसन लिया। प्रयास करना है क्योंकि ये एकदम 100% आप कंट्रोल कर ही लेंगे, गुस्सा आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, आपको कोशिश करनी ही। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पर प्रयास करता रहूं कि ये मुझ पर हावी ना होने पर। पांच विकार जो है, दो हाथ हो गए, तीसरे हाथ में क्या है जी? एक में साहब कमल भी तो है। कमल, हाँ। कमल, कमल का मतलब ये है, कमल को देख के मुझे ये करना है। कमल हमेशा कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ की एक भी ड्रॉप कमल पर नहीं आती, थोड़ा सा उठा रहता। अब लोग अक्सर अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, साहब इसकी सोसाइटी खराब हो गई, संगत खराब हो गई, अपनी बात भूल जाते हैं कि बच्चों के बारे में संगत खराब हो गई, या मेरे स्टूडेंट वैसे अच्छे थे लेकिन उनकी संगत खराब हो गई, या अपने ही बारे में मैं वैसे अच्छा था, ये मुझे सीख गया या ये सीख गया या ये सीख गया, ये संगत की वजह से सीख गया, वैसे अच्छा था। लेकिन आपको कमल से देख के ये करना है कि संगत चाहे जैसी मिले, मैं कमल के समान रहूंगा। कमल कीचड़ में रहने के बावजूद एक भी कीचड़ की ड्रॉप कमल पर पड़ नहीं सकती, चाहे जैसी संगत मिल जाए, चाहे मुझे शराबियों के बीच में रहने पड़े, मैं शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मेरे आसपास सब स्मोकर हो, मैं नहीं करूंगा। मेरे आसपास सब बेईमान हो, भ्रष्ट हो, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। मैं कीचड़ में कमल के समान रहूंगा, संगत से मेरे को असर नहीं होने वाला, ये प्रण कर लिया। अब एक एक हाथ और बचा जिसमें आपने चक्र कहा था, चक्र का नाम क्या है? एक्चुअली ये सुदर्शन अपभ्रंश होकर आ गया, वास्तव में चक्र का नाम था स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन ये परदर्शन का ऑपोजिट है, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेंस। मैं परदर्शन नहीं करूंगा, स्वदर्शन करूंगा, अपनी बुराइयां देखूंगा, अपनी बुराइयां देखकर पहचानूंगा और इंप्रूव करूंगा। स्वदर्शन चक्र ऊपर से नीचे तक चलाता रहूंगा, देखता रहूंगा मेरी आंखों से तो कोई गलती नहीं हो रही, मेरी जबान से तो कोई गलती नहीं हो रही, मेरे हाथों से तो कोई गलती नहीं हो रही, मेरे विचारों से तो कोई गलती नहीं हो रही। स्वदर्शन चक्र चलाना इसे कहते हैं, वरना देवता और गला काट दे ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब मारने का लहू बहाने का कोई चक्र नहीं है, वो सिंबल है स्वदर्शन चक्र, सेल्फ ऑब्जर्वेंस। ये इस प्रकार से शुरू हुआ, इंप्रूवमेंट भी कहानी शुरू हुई, ये हमारे एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन का पार्ट बना, समय आगे बढ़ा, लिपि आई, बुक्स लिखी जाने लगी, और एक टर्निंग पॉइंट आया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जब अर्थशास्त्र आया, यहां से एक तरीके से सुशासन या गुड गवर्नेंस का यहां से शुरुआत होगी। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट से आगे की बात शुरू हुई, और यहां पर आकर के कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा भी, जो उन्होंने जो उस जमाने में डेमोक्रेसी नहीं थी, अब डेमोक्रेसी है, तब राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने राजा के बारे में लिखा भी